हेलो दोस्तों, आज हमारा फिर से न्यू वीडियो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक कूट भाषा में प्लेयर को QNDCJX लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिंगर को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन वन TKQKJX, ऑप्शन टू TKJKQK, ऑप्शन थ्री TKQKKJ, ऑप्शन फोर TKQXJX। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं बिना समय बिताए हुए। कहते हैं दोस्तों, अगर हमारा प्लेयर तो PLAYER प्लेयर है, और इसका कोड क्या है दोस्तों, देखिए हैं QNDCJX। ठीक है, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए P के बाद क्या आता है, क्यू यानी प्लस वन, L के बाद MN यानी प्लस टू। ठीक है दोस्तों, A के बाद BCD यानी प्लस थ्री, YZABC यानी प्लस फोर, और EFGHIJK यानी प्लस फाइव, और R के बाद दोस्तों RABCDFGHIJK PQRX। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स, यानी फर्स्ट का आपका सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सॉल्व। अब सेकंड क्या कहता है दोस्तों, सेकंड वाला, अगर सेकंड का किसका पूछ रहा है कि सिंगर का क्या होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं SIN। ठीक है, SIN। ठीक है, GER सिंगर का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कोड क्या होगा दोस्तों, देखिए S है, S के बाद यहाँ पर SMNOPQRSTUVW, तो ST। ठीक है, सेम, तो यहाँ पर टी हो गया दोस्तों, EFGHIJK IJK, तो यहाँ पर के हो गया यानी प्लस वन, और ये प्लस टू। ठीक है, MN के बाद OPQRSTU हो गया क्यू, प्लस थ्री, GEBCDFGHIJK यानी प्लस फोर, तो ये हो गया K, EFGHIJK यानी J, और EBCDFGHIJKR ये हो गया प्लस फाइव, E और ये हो गया R, तो जोड़ियो X, ये हो गया X। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया प्लस सिक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान पूर्वक से सम एक एक दो तीन चार पाँच छः से बढ़ा, आपको इसमें लेटर याद होना चाहिए दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होता है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर आपका आंसर है TKQKJX। ठीक है, ये हो गया आपका इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या, आपको इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखिए दोस्तों TKQKJX TKQKJX यानी ऑप्शन फर्स्ट, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन फर्स्ट यानी TKQKJX इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आंसर है। तो देखते हैं दोस्तों, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता था, हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, ताकि आप एग्जाम में इसे घर में प्रैक्टिस करके और ही जल्दी पूर्वक आसानी पूर्वक से बनाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन और एक ही नंबर आपको एग्जाम में बहुत ही ज़रूरत है, जिससे आप एक नंबर से आदमी आगे एक नंबर से पीछे हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।